अमेठी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने किया मूर्ति विसर्जन घाट का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश की जनपद अमेठी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने दुर्गा पूजा के बाद होने वाली मूर्ति विसर्जन को लेकर किया इसौली घाट का निरीक्षण और उन्होंने बताया कि जितनी भी बड़ी नाव मूर्ति विसर्जन में लगती हैं उन सबको कोतवाली मुसाफिर खाना द्वारा नोटिस तामील कराया जाएगा और वहां के ग्राम प्रधान को सख्त हिदायत देते हुए रस्सी व बांस बल्ली से बैरिकेडिंग करने की हिदायत दी है और उनसे ये भी कहा गया कि मूर्ति विसर्जन के समय नाव में ज्यादा लोग न चढ़े जिससे कोई हादसा न हो जिससे मूर्ति विसर्जन सकुशल सम्पन्न हो सके। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। अभी नहीं होनी चाहिए, हो गई तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अभी तो भाव बहुत ज्यादा है, तुम तो बता रहे हो वहां तक रहती थी नदी, तो अब इतना पानी है, इतने पानी में नाव पलट गई तो क्या करोगे? नोटिस शामिल कराए सबको। मैडम आज किस चीज को लेकर निरीक्षण था यहाँ पर? जैसे कि आगामी त्यौहार आ रहा है जिसमें दुर्गा पूजा होगी और दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा, तो आज इसौली घाट का मेरे द्वारा स्थलीय भ्रमण कर निरीक्षण किया गया है और इसमें यही सब है कि अब क्योंकि अभी अतिवृष्टि हुई है और दो तीन दिन का यही फोरकास्ट है कि बारिश बहुत ज़्यादा है तो नदी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो इसी पर्पज़ से कि विसर्जन की व्यवस्था क्या रहेगी और सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों को रूट व्यवस्था करते हुए विसर्जन के समय पर हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी देखने के लिए आज ये निरीक्षण किया है और यहाँ लगभग 300 मूर्तियों के करीब ये बताया जा रहा है कि यहाँ विसर्जन होगा, तो उस संबंध में गोताखोरों की तैयारी यहाँ पर बड़े रस्से और बड़े बाँस के डंडे प्लस यहाँ पर जो भी नाव उस दिन होंगी तो जो जिनकी नाव है उन सब आयोजकों को नोटिस तामील कराए गए हैं थाने स्तर से और बाकी जो भी आवश्यक प्रबंध रहेंगे पुलिस की तरफ से उन सब चीज़ों पे दिशा निर्देश दिए हैं।